नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। कभी आपने सुना है कि 7000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन हो? ऐसा कोई जगह हो कि जहां पर सभी एक ही दिन पैदा हुए हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी? मतलब अगर बच्चा भी पैदा हुआ है, पिताजी भी पैदा हुए हैं, माँ भी पैदा हुई, तो सबकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है। तो दोस्तों, ये करिश्मा किया है हमारे आधार वालों ने, हमारे आधार सिस्टम वालों ने, कि एक गांव है जहां पर सबकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है। और मेरे ख्याल से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद उनके आधार कार्ड में भी 1 जनवरी लिखा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में भी 1 जनवरी लिखा है डेट ऑफ बर्थ और वो सही नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और फटाफट शेयर भी एक करी दो। तो दोस्तों, आज हम जिस गांव के बारे में बता रहे हैं, जिस पंचायत के बारे में बताने जा रहे हैं, वो है नीमच जिले की। तो दोस्तों, नीमच मध्य प्रदेश में आता है। नीमच जिले की पंचायत ऐसी है जहां पर ज़्यादातर, यानी कि करीब 7000 लोगों के सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वो एक ही दिन में जन्मे हैं। ये एक पंचायत है जो है पालसोड़ा से, जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इस पंचायत का नाम है पालसोड़ा। पालसोड़ा पंचायत में पालसोड़ा गांव के साथ देवपुरा, फतेहनगर, जेतपुरिया और भोपालगंज भी शामिल है। और इस पंचायत की आबादी करीब 7000 है और इस पंचायत में 4000 से ज़्यादा मतदाता हैं। तो दोस्तों, गांव के रहवासी बताते हैं कि पंचायत के 80% आधार कार्ड में जन्म तारीख 1 जनवरी लिखी हुई है और यह कारनामा आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी का है। अब इसका रिजल्ट ये है, इसका परिणाम ये है कि आधार कार्ड में दी गई जानकारी दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मेल नहीं होती है। मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग लिखी है, आधार कार्ड में अलग लिखी है। पैन कार्ड में अलग लिखी है, आधार कार्ड में अलग लिखी है। तो इसके चलते जो आधार कार्ड से जो हमें सुविधाएं मिलती है, उन ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलती है, वो उनको मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि आधार कार्ड की जन्म तारीख किसी भी डॉक्यूमेंट से मेल नहीं हो रही है, जिसके चलते ना तो उनके पैन कार्ड बन पा रहे हैं, ना दूसरे दस्तावेज बन पा रहे हैं और ना ही दूसरी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। तो ये आखिर क्यों हुई? तो हम बताते हैं कि जब इस बारे में, जब एक्सपर्ट लोगों से पूछा गया या सरकार से इस बारे में पूछा गया, जो ई गवर्नेंस से उनके जो सहायक प्रबंधक है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया कि जिस टाइम में आधार कार्ड बने होंगे, तो आधार कार्ड में जब जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आईडी प्रूफ के लिए, तो जो ग्रामीणों ने उनको वोटर आईडी दिया होगा। और पहले की हमारी वोटर आईडी आपने देखी होंगी कि पहले की वोटर आईडी में सिर्फ ईयर लिखा होता था किसी का, 1998, मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ नहीं लिखा होता था। तो जैसे ही जो आधार ऑपरेटर उसमें जो जन्म का जो ईयर डालते थे, ठीक है ना, तो वो अगर जैसे ही डालते थे, तो ऐसे में कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट 1 जनवरी को डेट ले लेता। जैसे मान लीजिए कि वोटर आईडी में किसी का एक, मतलब सिर्फ 1976 लिखा है, और अगर कंप्यूटर ऑपरेटर आधार बनाने वाला उसमें डालेगा 1976, तो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट 1-1 यानी 1 जनवरी 1976 ले लेता है। और दोस्तों, ये वोटर आईडी पुराने बने होंगे, तो इसलिए जो है ना, ये समस्या, इस तरह से ये समस्या आई है। तो गांव वालों को इस तरह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या है। आपको दोबारा से आधार सेंटर पर जाना है, ठीक है, वहाँ पर आपका आधार अपडेट करवाना है और आपको एक ऐसा प्रूफ लेके जाना है जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। अगर वोटर आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं, तो उसको आप सही करवा लें, और आधार कार्ड में भी गलत हो तो आप उसको भी सही करवा लें। मात्र 5 मिनट में जो है ना, आपकी आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप आधार अपडेट करवाने जाएं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट करवा लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 4-5 साल पहले आधार कार्ड बनवाए हुए, आप उन पे वहाँ पर फिंगरप्रिंट अपडेट करवा लें, अपनी आईरिस अपडेट करवा लें। अगर आपने कोई मोबाइल नंबर नहीं डलवाया है तो मोबाइल नंबर भी डलवा दें। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी अपडेट करवा दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरा एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, तो आप उसमें पूरा एड्रेस लिखवा दें। आपको ऐसा लगता है सरनेम उन्होंने सही नहीं लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, फादर्स का नेम सही नहीं लिखा है, मेरा फोटो सही नहीं आया है, तो दोस्तों, आप एक बार में जाने पर ये सारी चीज़ों को वहाँ पर अपडेट करवा सकते हैं। और इसके बाद जो आपका आधार कार्ड आएगा, वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम की बात है और बहुत सारी जगह पर आजकल आधार कार्ड यूज़ होने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।